नमस्कार दोस्तों। दोस्तों क्या कभी आपने सोचा है कि अगर आपसे कोई अनजाने में फ़ोन मांग ले, और जैसे आपके बच्चे जो दिन रात मोबाइल लेते हैं, मोबाइल चलाते हैं, और आप चाहते हैं कि वो सिर्फ एक ही काम करें जो आप कराना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए आपके किसी अनजान व्यक्ति ने फ़ोन मांगा, उसे कैलकुलेटर की ज़रूरत है, या उसे किसी एप्लीकेशन को चलाना है, या सेम एज इट इज़ हमारे घर पर जब बच्चे हमारे फ़ोन चलाते हैं, हम चाहते हैं कि ये और किसी एप्लीकेशन को एक्सेस ना कर सकें। अगर वो कोई एप्लीकेशन चला रहे हैं, गेम खेल रहे हैं, या यूट्यूब चला रहे हैं, तो वो पर्टिकुलर उस एप्लीकेशन को ही चलाएं, और इसके अलावा वो बैक भी ना कर सकें, होम बटन पर भी ना जा सकें, और स्क्रीन का ऐप जो है वहीं पर लॉक हो जाए। इसके बाद वो आपको फ़ोन दे दें और आप उस फ़ोन को एग्ज़िट करके दोबारा से नॉर्मल मोड में ले आएँ। तो दोस्तों बहुत आसान है ये करना, सभी के मोबाइल में ये आसानी से हो सकता है। सिर्फ एक सेटिंग की मदद से हम ये कर सकते हैं, और आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इसको किस तरीके से किया जाता है। चलिए, मेरा नाम है विवेक भारद्वाज, आप देख रहे हैं हमारा चैनल अनलॉक टेक, जहां मैं कंप्यूटर और मोबाइल टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए हर दिन नए नए वीडियोस लेकर आता रहता हूँ। चलिए शुरू करते हैं। हमें सबसे पहले क्या करना है, हमारे मोबाइल फ़ोन के सेटिंग्स के ऑप्शन में जाना है। हम सेटिंग्स ऑप्शन में जाएंगे। सेटिंग्स ऑप्शन में जाने के बाद जो है, नीचे आप यहां देख पा रहे होंगे सिक्योरिटी का आपको ऑप्शन दिख रहा है। किसी किसी के मोबाइल में ये सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी करके आता है, तो हम सिक्योरिटी के ऑप्शन पर जाएंगे। यहां से जाने के बाद जो है, हम मोर सिक्योरिटी सेटिंग्स पर जाएंगे। मोर सिक्योरिटी सेटिंग्स में आप देख पा रहे होंगे यहाँ तीसरे नंबर पर आपको दिख रहा है स्क्रीन पिनिंग, हम इस पर क्लिक करेंगे। इसको जो है हम यहाँ से ऑन कर देंगे। देखिए, ये हम यहाँ से इनेबल कर रहे हैं इसको। इफ़ दिस इज टर्नड ऑन, स्क्रीन पिनिंग कैन बी इनेबल्ड, फीचर इंक्लूडिंग इनकमिंग कॉल्स एंड नोटिफिकेशन विल बी डिसेबल्ड व्हेन द स्क्रीन इज पिन्ड, डू यू वांट टू टर्न इट ऑन। यहाँ से हम इसको ऑन कर देंगे। इसने बताया है कि जब स्क्रीन पिन हो जाएगी तो वहाँ पर जो है इनकमिंग कॉल्स भी आपके उतनी देर के लिए नहीं आएंगे। अब हम यहाँ से पीछे चलेंगे। यहाँ से चलने के बाद हम हमारे होम स्क्रीन पर आ गए हैं। होम स्क्रीन पर आने के बाद जो है, आप देख सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पर एक वेबसाइट को ओपन करता हूँ, क्रिकेट बस, देखिए मैंने इसको ओपन किया और मैंने इसको जो है यहाँ से मिनिमाइज़ कर दिया। अब मुझे क्या करना है, जो ये तीन डॉट दिख रहे हैं जहाँ पर ये एप्लीकेशन सारे मिनिमाइज होते हैं, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आप देख पा रहे होंगे ये क्रिकेट बस में ये यहाँ पर जो है आपको तीन, एक लॉक शो हो रहा है और आपको एक पिन का बटन दिख रहा होगा। ये पिन पर हम क्लिक करेंगे। यहाँ पर जैसे ही हम पिन पर क्लिक करेंगे, यहाँ लिखा आ गया है स्क्रीन पिनिंग आफ्टर द स्क्रीन इज पिन्ड, वो सेम मैसेज है कि आपको जहाँ पर स्क्रीन आपकी पिन हो जाएगी। और इसको जो है स्क्रीन पिन से अनपिन कैसे करना है, उससे पहले हम इसको ओके करेंगे। देखिए यहाँ पर हमारी स्क्रीन पिन हो गई है, स्क्रीन पिन। अब हम जो है इसको सिर्फ वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हैं, रिफ्रेश कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर कोई भी बैक का ऑप्शन नहीं है। आप ऊपर देखें, ऊपर से भी हम इसको ड्रैग नहीं कर सकते हैं। हम नीचे जो तीन ऑप्शन दिख रहे हैं, आप इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ आपको वो मैसेज आ रहा है, लेकिन आप जो है यहाँ से बैक नहीं जा पा रहे हैं। इसके लिए हमें दोस्तों करना क्या है, आप ये जो बैक बटन देख रहे हैं, बैक बटन और ये तीन डॉट जो है मिनिमाइज वाले, इनको एक साथ प्रेस करेंगे साइमल्टेनियसली। जैसे आप इनको प्रेस करेंगे, प्रेस करते ही ये जो है यहाँ से अनपिन हो जाएगा। देखिए हम क्लिक करते हैं, ये हमने किया ये स्क्रीन और ये अनपिन हो गया। अब जो है आप बैक आ सकते हैं और यहाँ से आप नॉर्मली आपका काम कर सकते हैं। दोस्तों देखा होगा आपने कितनी शानदार ये चीज़ है, और यहाँ से आपको एक चीज़ और मदद मिल गई होगी। जैसे मान लीजिए ये हमने कैलकुलेटर ओपन किया, अब किसी को यहाँ पे कुछ कैलकुलेट करना है और वो आप चाहते हो कि वो आपकी और बाकी स्क्रीन को ना देख सके, तो आप इसको मिनिमाइज़ करेंगे। मिनिमाइज़ करने के बाद ये आपको तीन ऑप्शन दिख रहे हैं, यहाँ से आप इसको पिन कर देंगे। पिन होते से ही अब यहाँ से कोई स्क्रीन को आप आगे पीछे नहीं कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते हैं। इवन आप इसको लॉक भी कर देंगे, अनलॉक करने के बाद भी यही स्क्रीन रहेगी, और जैसे ही सामने वाला कैलकुलेशन कर लेगा तो वो आपको इसी ही कंडीशन में फ़ोन वापस लौट आएगा। देन आपको करना क्या है, आपको जो है बैक स्पेस और ये थ्री डॉट मिनिमाइज वाला बटन को एक साथ प्रेस करना है। ये देखिए, जैसे ही आप इसको प्रेस करेंगे ये लॉक होगा, और लॉक होते से ये अनपिन हो जाएगा। अब जो है आप इस पर अपनी बाकी की एक्टिविटीज़ को ईजिली कर पाएंगे। तो दोस्तों ये एक बहुत अच्छा छोटा सा ट्रिक है, और इस ट्रिक से जो है हम हमारे घर पे जब बच्चे छोटे छोटे होते हैं
हम चाहते हैं कि वो कुछ ऐसी अनवांटेड एक्टिविटीज़ को ना देख सकें या इंटरनेट पे कुछ भी सर्च ना कर सकें, तो वो जो भी काम कर रहे हैं आप उस पर इसकी स्क्रीन को पिन कर सकते हैं ताकि वो उसके अलावा कहीं अदर जगह भी नहीं जा सके। तो ये काफ़ी हेल्पफुल रह सकता है, ऐसी मैं आशा करता हूँ। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मेरा नाम है विवेक भारद्वाज। थैंक यू।